तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। कंडक्टर्स हम उनको कहते हैं जो करंट को बहुत आसानी से पास कर देते हैं। क्या होता होगा मैकेनिज्म कंडक्टर्स में? एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी जो कंडक्टर है, जितने भी मेटल्स होती हैं, जैसे सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, इन सब की खास बात ये होती है कि इनमें कुछ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस के साथ बहुत स्ट्रांगली अटैच नहीं होते। जब भी इनको हम किसी भी तरह से कोई फोर्स देते हैं तो ये बहुत आसानी से अपने न्यूक्लियस से डिटैच हो जाते हैं। डिटैच होके बाहर आ जाते हैं। जब ये बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। अगर ये कहीं जा रहे हैं मतलब इनका मूवमेंट शुरू हो गया। इसी मूवमेंट को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो कंडक्टर्स हम उनको कहते हैं जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे आप कोई फोर्स लगाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे मटेरियल्स बनेंगे कंडक्टर्स। एग्जाम्पल की हम इसको मान सकते हैं जैसे एल्यूमिनियम, और हम ले सकते हैं गोल्ड, और अगर देखें तो कॉपर। ऐसे कई सारे मटेरियल्स हैं जिनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। इन सभी मटेरियल्स की खास बात ही होती है कि अगर आप इसमें हीट पास करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ये दोनों को बहुत आसानी से पास कर सकते हैं। अब बात आती है इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स हम उनको कहते हैं जो बहुत आसानी से करंट को पास नहीं होने देते हैं। जब आप इनमें करंट को पास करने की कोशिश करेंगे तो ये करंट को ब्लॉक कर देते हैं। अब इसका रीजन क्या होता होगा? जब हम इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पर जाते हैं तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुछ एक्स्ट्रा होते हैं। जनरली हम केमिस्ट्री में यूं मानते हैं कि हमेशा वो मटेरियल स्टेबल होता है जिसकी लास्ट ऑर्बिट में फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिक्स नंबर मतलब क्या हो सकता है? अगर लास्ट ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन्स की है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अगर लास्ट ऑर्बिट पूरी तरह से खाली है तो भी मटेरियल स्टेबल होगा। अगर लास्ट ऑर्बिट हाफ फिल्ड है तो भी मटेरियल स्टेबल होगा। अब इंसुलेटर्स के केस में क्या होता है कि इनकी जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब न्यूक्लियस के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है कि वो अपने 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करे। इसके लिए ज्यादा आसान काम होगा कि वो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। तो अब अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, डोनेट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन तो वहां से नहीं निकला। अब इलेक्ट्रॉन अगर नहीं निकला तो मतलब उसने कंडक्ट नहीं किया। तो ऐसे सारे मटेरियल जिनके लास्ट ऑर्बिट में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सबको हम क्या कहेंगे? इंसुलेटर्स। इसमें जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने न्यूक्लियस से बहुत स्ट्रांगली अटैच होते हैं। अगर हम इसमें करंट को पास करें तो इसमें से करंट फ्लो नहीं कर पाता है। पर खास बात यह होती है कि अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें या किसी भी तरह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट डालने की कोशिश करें तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो जरूर करेंगे। इंसुलेटर्स का दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक्स भी होता है। डाइलेक्ट्रिक्स जैसे आप एग्जांपल्स के लिए मान सकते हैं ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुडन शीट हो गई, ये सारे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इनके ऊपर चार्ज स्टेबल हो जाता है, चार्ज इनके ऊपर रुका हुआ होता है। अगर इनके ऊपर आप कोई इलेक्ट्रिकल इफेक्ट डालोगे तो ये सारे चार्ज पार्टिकल्स इसके ऊपर से फ्लो कर जाएंगे।